मैं उससे डरने और प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। ये जहरीली शराब के नाम पर उम्मीदवार खड़ा करते हैं और सरकार अगर जो इसको नहीं रोकती है तो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, तो उल्टा ही आरोपित करने का खेल खेलते हैं पूरी तरह से धृतराष्ट्र की भूमिका निभा के और ताली बजाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल उन्होंने धमकी दिया था कि बर्बाद कर देंगे। ये नरसंहार जहरीली शराब से सरकार का है, इनको सत्ता छोड़नी चाहिए, इस्तीफा देनी चाहिए। 3 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई है जहरीली शराब के कारण, सरकार की जिम्मेवारी है। ये लगातार है नरसंहार जो सरकार संरक्षित सरकार पोषित हो रही है उससे बचाने का, और सरकार अगर जो इसको नहीं रोकती है तो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। विपक्ष को सदन के अंदर मुख्यमंत्री का वक्तव्य आना चाहिए, लेकिन आसन पर अध्यक्ष जी का आचरण विपक्ष के साथ उचित नहीं है, बोलने का मौका नहीं देना। और जब हमने अपने सदस्यों को बैठाने के लिए गए, काफी देर से वो खड़े होके नारा बेल में लगा रहे थे, तो उल्टा ही आरोपित करने का खेल खेलते हैं। मैं उससे डरने और प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। जो आसन पर चढ़ के कुचला है, जब उस पर ही कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो इनसे कोई न्याय का उम्मीद भी हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जहरीली शराब से हुई मौतों पर हम चुप नहीं रहेंगे। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का दर्जनों घटना, पटना के अंदर भी कई घटना कल घटा, लेकिन ये सरकार कोई संवेदनशील नहीं है। कोई इनके ऊपर अपराधियों को पकड़ने का कहें कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन पूरा सुस्त है। हम मांग करते हैं कि जहरीली शराब से जितनी भी मौतें हुई है, 1000 से ज़्यादा मौतें, सबको मुआवजा दे, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी थी जहरीली शराब को रोकना, अपनी नीति को सफल करना, उनके तंत्र की जिम्मेवारी थी। एक भी भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है। ये जहरीली शराब के नाम पर उम्मीदवार खड़ा करते हैं, अपने शराब बेचने वाले फैक्ट्री के मालिक को गोपालगंज में उम्मीदवार बनाए, शराब पीने वाले को कुर्नी में उम्मीदवार बनाए। ये सरकार संपोषित ये खेल दारू और बालू का हो रहा है, उन माफियाओं को संरक्षित कर रहा है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, सदन में वक्तव्य देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहा है। और विपक्ष के साथ जो व्यवहार हो रहा है सदन के अंदर, आज तक लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ है। पूरी तरह से धृतराष्ट्र की भूमिका निभा के और ताली बजाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कल उन्होंने धमकी दिया था कि बर्बाद कर देंगे, तू ताम करते हैं, उस पर भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन एक वक्तव्य नहीं दे के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। ये भरम में न रहें कि जो जन्म लिया है मरना तय है, जो आया है जाना तय है, जो सत्ता में है कल जाएगा। जनता ने जनादेश दे दिया है, इनकी विदाई तय है, इनकी दुर्गति भी तय है। और जो माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं, ये सब बाहर बेल में नहीं, अब जेल में होंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। क्या अधिकार है सत्ता में रहने का? आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि ये शराब बेचता है, क्यों नहीं पकड़ते हैं? धिक्कार है सत्ता में बैठे लोगों को, पकड़िए बीजेपी का। अरे सत्ता में बैठे हुए आपके राजद के, जदयू के बहुत सारे लोग, माफिया है बालू और दारू का, दो दो उम्मीदवार का, हम तो खुल के नाम बता रहे हैं, गोपालगंज का उम्मीदवार का शराब का फैक्ट्री है या नहीं ये बताए मुख्यमंत्री, जवाब दे, फिर उम्मीदवार कैसे बनाया? हम लोग छपरा जाएंगे सदन के बाद, सदन में एक बार फिर आग्रह करेंगे और नहीं सुनेंगे तो हम लोग छपरा कुछ करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। जनता कर रहे हैं प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण, 40-40 के लगभग लाशें पड़ी हुई है बिहार के अंदर, और ये क्वेश्चन आवर में मजाक उड़ा रहे हैं। इतने लोगों का कार्य स्थगन दिया गया, उस पर विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है, वो भी ये सूची है इतने लोगों की मरण, ये सरकार के द्वारा नरसंहार है। ये नरसंहार जहरीली शराब से सरकार का है, इनको सत्ता छोड़नी चाहिए, इस्तीफा देनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच करावे। इनके कई लोग फंसेंगे, ये कई लोग फंसेंगे, CBI से जांच करावे सरकार।